जब मसीह यीशु किसी के घर में थे तो दोबारा एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, यहां तक कि उनके लिए भोजन करना भी असंभव हो गया। जब मसीह यीशु के परिवार जनों को इसका समाचार मिला तो वे मसीह यीशु को अपने संरक्षण में अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ गए। उनका विचार था कि मसीह यीशु अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यरूशलेम नगर से वहां आए हुए शास्त्रियों का मत था कि मसीह यीशु में शैतान समाया हुआ है तथा वो दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाला करते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहना प्रारंभ किया, भला शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ चुकी है तो उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता। वैसे ही यदि किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो वो स्थायी नहीं रह सकता। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है और वो बंट चुका है तो उसका अस्तित्व बना रहना असंभव है, वो तो नाश हो चुका है। कोई भी किसी बलवान व्यक्ति के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर उसकी संपत्ति उस समय तक लूट नहीं सकता जब तक वो उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले, तभी उसके लिए उस बलवान व्यक्ति की संपत्ति लूटना संभव होगा। मैं तुम पर एक अटूट सच प्रकट कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप और परमेश्वर की निंदाएं क्षमा योग्य हैं, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। वो व्यक्ति अनंत पाप का दोषी है। मसीह यीशु ने ये सब इसलिए कहा था कि शास्त्रियों ने उन पर दोष लगाया था कि मसीह यीशु में प्रेत समाया हुआ है। तभी मसीह यीशु की माता और उनके भाई वहां आ गए। वे बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने संदेश भेजकर उन्हें बाहर बुलवाया। भीड़ उन्हें घेरे हुए बैठी थी। उन्होंने मसीह यीशु को बताया, वो देखिए आपकी माता तथा आपके भाई बाहर खड़े हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मसीह यीशु ने पूछा। तब अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे भीड़ पर डालते हुए उन्होंने कहा, ये हैं मेरी माता तथा मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वो अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वे झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुणा, 60 गुणा तथा 100 गुणा फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हों वे सुन ले। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं, वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा ना हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या ये दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे?
बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं, संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। मसीह यीशु ने आगे कहा, दीपक को इसलिए नहीं जलाया जाता कि उसे टोकरी या चारपाई के नीचे रख दिया जाए। क्या उसे दीवट पर नहीं रखा जाता? ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा है और खोला न जाएगा, और ना कुछ गुप्त है जो प्रकाश में न लाया जाएगा। जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। इसके बाद मसीह यीशु ने कहा, इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। तुम्हारा नापना उसी नाप से किया जाएगा जिसका इस्तेमाल स्वयं तुम करते हो। तुम्हें जरूर इससे भी अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बीज डाल दिया और रात में जाकर सो गया। प्रातः उठकर उसने देखा कि बीज अंकुरित होकर बड़ा हो रहा है। कैसे होती है प्रक्रिया, ये वो स्वयं नहीं जानता। भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। सबसे पहले आती हैं पत्तियां, फिर बालें, उसके बाद बालों में दाना। दाना पड़ने पर वो उसे बिना देरी किए काट लेता है, क्योंकि उपज तैयार है। तब मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे की जा सकती है? किस दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है? ये राई के बीज के समान है। जब ये भूमि में बोया जाता है ये बोए गए अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है, फिर भी बोए जाने पर ये बड़ा होना शुरू कर देता है तथा खेत के सभी पौधों से अधिक बड़ा हो जाता है, इतना कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। सुनने वालों की समझ के अनुसार मसीह यीशु इसी प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते थे। बिना दृष्टांत के वो उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, और वो अपने शिष्यों के लिए इनका अर्थ तभी बताया करते थे जब शिष्य उनके साथ अकेले होते थे। उसी दिन शाम के समय में मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो उस पार चलें। भीड़ को वहीं छोड़ उन्होंने मसीह यीशु को वो जैसे थे वैसे ही अपने साथ नाव में ले तुरंत चल दिए। कुछ अन्य नावें भी उनके साथ हो ली। उसी समय हवा बहुत तेजी से चलने लगी। तेज लहरों के थपेड़ों के कारण नाव में पानी भरने लगा। मसीह यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए हुए सो रहे थे। उन्हें जगाते हुए शिष्य बोले, गुरुवर, आपको हमारी चिंता ही नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? मसीह यीशु जाग गए। उन्होंने बवंडर को डांटा तथा लहरों को आज्ञा दी, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बवंडर शांत हो गया तथा पूरी शांति छा गई। मसीह यीशु शिष्यों को देखकर बोले, क्यों इतने भयभीत हो तुम? क्या कारण है कि तुम में अब तक विश्वास नहीं? शिष्य अत्यंत भयभीत थे। वे आपस में कहने लगे, कौन है ये कि बवंडर और झील तक इनका आज्ञा पालन करते हैं?